ही गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और गाइज, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक मेकअप ट्यूटोरियल जो है अंडर 100 रुपीज़। तो गाइज, मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है और ये जो बहुत मतलब अफोर्डेबल जो हमारे पास प्रोडक्ट है, अभी तक जितने भी मैंने मतलब मेकअप ट्यूटोरियल किए हैं उस पर से ये डिफरेंट है बिल्कुल। और आज जो मैं करूँगी वो 100 रुपीज़ के अंदर होंगे सारे प्रोडक्ट। तो मैंने ये मेकअप कैसे क्रिएट किया है, इस लुक कैसे क्रिएट किया, इसके लिए आपको पूरा वीडियो वॉच करना पड़ेगा। तो ज़्यादा बातें ना करती हूँ, मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए देखते हैं। गाइस, सबसे पहले मैंने लिया है ये डीप पोर्स क्लिनजिंग मिल्क है, जिसे मैंने कॉटन की हेल्प से अपने फेस को पहले क्लीन कर लिया है ताकि कोई डस्ट वगैरह ना हो मेकअप करने से पहले, जिसका प्राइस है 75 रुपीज़। और जिसे मैंने अपने 45 रुपीज़ इसका प्राइस है, इसे मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। एक कॉटन की हेल्प से मैंने अपने फेस को पहले अच्छे से क्लीन कर लिया गाइस। उसके बाद मैंने अपनी आईब्रोज पेंसिल यूज़ की, जिसे मैंने 20 रुपीज़ का मार्केट से ख़रीदा था। इसको ये बहुत अच्छी है, अच्छे से हमारी आईब्रोज़ को ये फिल कर देती है। और इसका शेड जो है वो ब्राउन है, और इसे मैं पहले मेकअप ट्यूटोरियल में यूज़ करती थी गाइस, और ये भी 100 रुपीज़ के अंदर आती है। और एक स्पूली की हेल्प से पहले मैंने अच्छे से सेट कर लिया इसको, और उसके बाद में मैंने यूज़ किया है ये NYB का कंसीलर है, जो मुझे 80 रुपीज़ का पड़ा था पर्पल से, इस ऑफ़र पे था। और ये ऑफ़र पे आते हैं, इसके सारे शेड आते हैं गाइस। और मैंने एक ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लिया अच्छे से। उसके बाद में मैंने यूज़ किया है एक वाइट टोन पाउडर, फेस पाउडर है, जिसे मैंने एक ब्रश की हेल्प से अपने कंसीलर को सेट करने के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद मैंने यूज़ की ये NYB का ब्लू कलर शेड है, जिसे मैंने पर्पल से मंगाया था। तो इसको पहले मैंने क्रीज लाइन बना ली और पूरा आई बनाकर मैंने इसे एक ब्रश की हेल्प से स्मच कर लिया है गाइस अच्छे से। और मैंने थोड़ा सा इस विंग ड्रॉ करके इसे अप्लाई किया है, और एक ब्रश की हेल्प से मैंने इसे स्मच कर लिया है, क्योंकि मेरे पास और कोई आईशैडो नहीं था जिसे मैं यूज़ करती हूँ। और ये एक शिमरी गोल्डन कलर का ये आईशैडो है, जिसे मैंने मार्केट से 10 रुपीज़ का परचेज़ किया था काफ़ी टाइम पहले। इसके बाद मेरे पास इसके सारे शेड अभी भी हैं। तो एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने इसे अप्लाई किया, और ये बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है गाइस। अगर आपके पास आईशैडो पैलेट नहीं है बहुत कॉस्टली, तो अब इसे आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हो, ईज़िली मिल जाता है मार्केट में ये। और इसके सारे शेड आते हैं गोल्डन, तो बहुत प्यारा होता है इसका कलर। एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने इसे अप्लाई कर लिया है, क्योंकि मेरे पास और कोई ऐसा सस्ता 100 रुपये के अंदर नहीं आ रहा था जो मेरे पास आई शेडो पैलेट, तो इसलिए मैंने ऐसे दोनों तरह से यूज़ किया है। और अच्छे से मैंने इसे अप्लाई कर लिया, बहुत ईजिली अप्लाई हो जाता है ये, जितना सस्ता है उतना अच्छा है। उसके बाद में मैंने ये काजल लिया है, जिसे मैंने एज आई लाइनर यूज़ किया, क्योंकि मेरे पास इतना सस्ता कोई भी आई लाइनर नहीं था गाइस ताकि मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो मैंने एज ए आई लाइनर मैंने इस काजल को यूज़ किया है, और एक विंग ड्रॉ करके मैंने इस काजल को यूज़ किया। इसे भी मैंने अपने मार्केट से ख़रीदा, ये मुझे 90 रुपीज़ का पड़ा था, ये बहुत अच्छा है। और क्वीन रोज़ है, 100% वाटर प्रूफ है गाइस ये, जिसे मैंने अपने लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया था, वाटर प्रूफ है। उसके बाद में मैंने यूज़ किया ये बेबी जॉनसन क्रीम है, जो मेरे बेबी के लिए है, और मैंने इसे एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। अगर आपके पास कोई मॉइस्चराइज़र नहीं है तो ये बेबी क्रीम अगर आपके घर में है तो सप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छे से वर्क करती है, हमारे मेकअप में हेल्प करती है और हमारे फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करती है ये क्रीम। और उसके बाद में मैंने यूज़ किया है एलोवेरा जेल, जिसका प्राइस मैं बता दूँ 95 रुपीज़ है, जो अंडर 100 रुपीज़ नहीं आता है। और बेबी जॉनसन का भी प्राइस 75 रुपीज़ है, तो इसे मैंने अप्लाई कर लिया है, ये पोर्स को हाइड कर देता है। उसके बाद मैंने यूज़ किया 95 cc क्रीम है, जो मुझे 99 रुपीज़ की पड़ी थी, इसका छोटा प्राइस 99 रुपीज़ का ही आता है। इसे मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था, तो ये फुल कवरेज देता है गाइज। तो मैंने इसे ऑर्डर करके अप्लाई कर लिया, एक ब्रश की हेल्प से स्पर्च कर लिया है, पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है। और उसके बाद में मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी थोड़ा सा अप्लाई किया, ताकि कोई लाइन ना रह जाए। उसके बाद में मैंने ये यूज़ किया स्टिक 25 एज अ कंसीलर, और एक ब्रश की हेल्प से मैंने सप्लाई कर लिया है।
उसके बाद में मैंने यूज़ किया है। मेरे पास कोई ब्लश नहीं था गाइस, तो मैंने इस लिपस्टिक को ही एज अ ब्लश यूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास कोई ब्लश ऐसा नहीं था जो 100 रुपीज़ के अंदर आता। तो ये लिपस्टिक मुझे 60 रुपीज़ की पड़ी थी गाइस, तो मैंने से उसके बाद मैंने एनवाईबी का ये एक सिल्वर कलर भी मंगाया था जब ऑफ़र चल रहा था, तो मैंने इसे एज अ हाईलाइटर यूज़ किया, तो अपने नोज़ एरिया पर, अपर लिप्स, चिन सब पे यूज़ किया है और बहुत अच्छे से हाईलाइट कर दिया है मेरे फेस को। उसके बाद में मैंने यूज़ किया ये लिपस्टिक जो मुझे 50 रुपीज़ की मार्केट में ही पड़ी थी। इसका कलर इतना प्यारा है गाइस, और मैट फिनिश देता है और लॉन्ग लास्टिंग है। और गाइस ये मेरा फाइनल लुक, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और अगर ऐसे मेकअप अच्छा लग रहा हो तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा लेकर आऊँगी। बाय बाय, मिलते अच्छे।